नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और खबर देहरादून से। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेयर किए गए भजन से की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने राम भजन शेयर किया है, इस बात की जानकारी दी। राम आएंगे, जय श्री राम। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी दे दी है। 7,24,00,000 धनराशि भी इसी के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है मुख्यमंत्री ने ये दी है। और देहरादून से बड़ी खबर है, आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश को लेकर होगी बातचीत। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक है। इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश को लेकर उनकी बातचीत। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। देहरादून से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अभी कैंथुरा सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये बैठक कब होने जा रही है, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय सचिवालय में ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर में ये कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट के भीतर ये समीक्षा बैठक शुरू होगी, जिसमें परिवहन और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। परिवहन में किस प्रकार से काम बेहतर आगे किया जा सकता है, सुविधाएं किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और बेहतर यातायात की जा सकती है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जो परिवहन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, यानी जो निगम कर्मचारी जो लगातार लंबे समय से नए बस बेड़े की जो मांग यहां पर कर रहे हैं, उससे सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो विकास के काम राज्य भर में होने हैं, उन विकास के कामों में किसी प्रकार से कोई अड़चन ना आए, इसलिए लगातार जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों पर शासन के अधिकारियों को गंभीर रहने, समस्याओं का निदान करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आयुष विभाग की बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक भी यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। जो पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट के दौरान जो निवेश राज्य में हुए हैं आयुष के क्षेत्र में, 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश हुए हैं, उस निवेश की ग्राउंडिंग किस प्रकार से की जा रही है, कैसे उत्तराखंड राज्य में आगामी दिनों में आयुष के क्षेत्र में और बेहतर यहाँ पर काम किया जा सकता है, राज्य के जो युवा हैं उन युवाओं को आयुष के सेक्टर से किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर इस समीक्षा बैठक में बातचीत होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए जाएंगे कि राज्य में किस प्रकार से आयुष और वेलनेस के सेक्टर में काम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो दूर क्षेत्र में जहाँ पर आयुष की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से आयुष को और वहाँ पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो युवा है वो इस आयुष का लाभ यहाँ पर ले सके, आयुष के सेक्टर के जरिए अपनी जो आर्थिक या जो रोजगार है उसको आगे बढ़ा सके। उत्तराखंड राज्य आयुष के सेक्टर में कैसे देश के अन्य राज्यों से आगे निकल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनमें आयुष का सबसे बड़ा सेक्टर है कि जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से आयुष के क्षेत्र में और बेहतर काम यहाँ पर किया जा सकता है, तो उसको लेकर इस समीक्षा बैठक में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री की तरफ से विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। शासन के आला अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड का जो पर्यटन या दूसरी जो तीर्थाटन की जो अभी तक की जो छवि रही है, उस छवि से बाहर निकलना है और राज्य को हर सेक्टर में मजबूत करना है, हर सेक्टर में विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। जी, जनसुविधा परिवहन समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, उच्च अधिकारी भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे इस बैठक में?
जी बिल्कुल, आयुष के जो सचिव होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अपर मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको भी इस समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि विभागों की तरफ से क्या कुछ कार्य योजना बनाई गई है, यानी 2025 का जो लक्ष्य धामी सरकार ने चुना उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें सर्वांगीण विकास की जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, उस सर्वांगीण विकास को कैसे आमजन तक पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहां पर होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की जा रही है कि राज्य का जो युवा है वो युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके, उसके लिए जरूरी है कि जो आयुष का जो सेक्टर है वो हर ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर पहुंच सके, ताकि युवाओं को उसकी जानकारी यहाँ पर बेहतर तरीके से मिल सके और आयुष के दिशा में भी काम यहाँ पर कर सके। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि जो उत्तराखंड के जो आयुष सेक्टर हैं, यानी जो अक्सर जो दक्षिण भारत की तरफ जो आयुष की जो बातें कही जाती है, आयुष सेक्टर को जो मजबूत बताया जाता है, उसकी यहाँ पर किस प्रकार से आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर कैसे आयुष के सेक्टर और स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है। इसका जो निवेश हुआ जिसमें निवेशकों ने उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में या जो पर्वतीय क्षेत्र खासतौर पर जो हिल स्टेशन है जहाँ पर विकास की संभावनाएं ज्यादा है, उन जगहों पर आयुष के सेंटर खोलने की बात यहाँ पर कही है, तो उसमें कैसे और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन का यानी यातायात का जो मुख्य साधन है, उस साधन को कैसे वहाँ पर और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि चारधाम के अलावा जो नए डेस्टिनेशन सरकार की तरफ से विकसित किए जा रहे हैं, पर्यटन विभाग जिनको लेकर अपनी कार्य योजना बना रहा है, उन डेस्टिनेशनों तक कैसे यातायात की सुविधाएं बेहतर दी जा सकती है उसको लेकर भी बातचीत यहां पर होगी। तो कह सकते हैं कि विभाग के दोनों ही विभागों के उच्चाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से पहले समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ सके। जी तो क्या अभी जो JS समिट में जितने निवेश हुए हैं उसके ग्राउंड पे कितने काम किए हैं इसको लेकर भी इसमें चर्चा संभव है और निर्देश भी दिए जा सकते हैं अधिकारियों को क्या? बिल्कुल, आयुष के क्षेत्र में जो 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो MOU साइन हुए हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि लगभग अभी तक 4,000 करोड़ के ग्राउंडिंग की जो तैयारी है वो विभाग के तरफ से की जा चुके, लेकिन आगामी दिनों में यानी जो 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश हुए हैं, जिसमें से अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग होना बाकी है, उसको लेकर विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर विभागीय अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे। जो प्लानिंग विभाग की तरफ से की गई है उस प्लानिंग की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी कि किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आयुष का जो सेक्टर है वो अभी तक उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाए जिससे राज्य का जो वन संपदा या राज्य के जो प्राकृतिक संपदा है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए उस दिशा में भी बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही रोजगार किस प्रकार से सृजित किया जा सकते हैं, राज्य के जो युवा हैं जो इस सेक्टर में आगे आना चाहते हैं उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, कैसे इस आयुष के सेक्टर को वो लोग अपना सकते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कैसे इस आयुष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी और जो विभाग की ये रणनीति है उस रणनीति की समीक्षा होगी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है JS समिट हुए, क्या अभी ग्राउंड पे कोई भी कार्य शुरू हुआ है, होना बाकी है, अगर हो चुका है तो कितना हुआ है? ये कह सकते हैं कि लगभग 4,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग अभी तक आयुष के सेक्टर में हुई है, उस ग्राउंडिंग में अभी तक के क्या कुछ प्रोग्रेस रही है उसकी समीक्षा आज यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का जो सेक्टर है, राज्य के जो विकास के जो सेक्टर है, उन सेक्टरों से राज्य की जनता को लाभ मिल सके। कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य के हर सेक्टर में चौमुखी विकास हो, राज्य सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ सके, ताकि 25 तक उत्तराखंड राज्य अपने उस लक्ष्य को पा सके जिसमें उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्यों के श्रेणी में सुधार करना है। यानी जो विभाग ने जो ग्राउंडिंग का जो लक्ष्य अभी तक रखा है, उस ग्राउंडिंग को धरातल पर कितना उतारा गया, उसके लिए कौन सी ऐसी अभी तक की जो समस्याएं जो विभाग के सामने आई हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा रहा है, और आगे जो MOU हुए हैं उन MOU को भी कैसे धरातल पर उतारेंगे उसको लेकर समीक्षा होगी। जी ठीक है, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और खबर देहरादून से, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी विधानसभा में सत्र का 17वां नहीं हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से 2 सत्र और आहूत किए जाने की संभावना है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अभी सत्र का अवसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से 1 सत्र और आहूत यहां पर किया जा सकता है।
जिसमें राज्य आंदोलनकारी को 10% सैचिज आरक्षण और उच्च को लेकर भी सरकार की तरफ से विधेयक लाया जा सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का बजट सत्र केंद्र सरकार के बजट सत्र के बाद आएगा। दो तरह के सत्र हमें अभी लाने हैं। एक सत्र मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ कि जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण का जो विषय था और साथ में यूसीसी की रिपोर्ट भी अभी आनी है। जैसे ही यूसीसी की रिपोर्ट मिलेगी तो हम यूसीसी और क्षेत्रीय आरक्षण जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए 10% के लिए आप जानते हैं प्रवर समिति गृह अध्यक्षता में होनी थी, मैंने उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपी थी, तो वो विषय पहले हम लाएंगे क्योंकि अभी हमारा जो सत्र गया है उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इस नाते कंटिन्यूएशन में ये सत्र है। मेरे कल मुझे कुछ आंदोलनकारी मिलने आए थे, उनसे भी मैंने ये बात कही, कैसा विशेष सत्र है, मतलब विशेष सत्र आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो कंटिन्यूएशन में है, यानी कि हमारी गंभीरता देखिए कि हमने सत्र का सत्रावसान नहीं किया है, मतलब इसी सत्र में हम लोग पहले ये लाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं केंद्र का लेखानुदान बजट आ रहा है 1 फरवरी, और उसके बाद फिर हम लोग अपना बजट सत्र लाएंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी परिस्थिति यदि ठीक ठाक रहेगी तो इन दोनों में से एक सत्र हम लोग एब्सेंट में लेंगे। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभी प्रेमचंद अग्रवाल का ये बयान निकल के सामने आ रहा है, किन मायनों में हम के लिए ये जो विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया जाएगा ये बड़ा मायने यहाँ पर रखने वाला है, क्योंकि सरकार जिस अब विधेयक की बात यहाँ पर करे उस विधेयक को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर मांग बढ़ रही है कि जो राज्य में राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उनके जो 10% क्षेत्र आरक्षण की जो मांग है उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा यहाँ पर करे। पूर्व में सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि विधेयक को लाने का काम किया गया था, लेकिन उसे सदन के भीतर उस पर कुछ खामियां यहाँ पर पाई गई थी और उसे फिर प्रवर समिति के अधीन करने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन अब प्रवर समिति की तरफ से उन सभी खामियों को दूर करने का काम यहाँ पर किया गया और अब सरकार तैयार है राज्य आंदोलनकारियों को यह सौगात देने के लिए कि राज्य की जो सेवाएं राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां होंगी उसमें राज्य आंदोलनकारी या उनके जो आश्रित हैं उनको 10% क्षेत्रीय आरक्षण यहां पर दिया जाएगा, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जैसे ही यह सब आहूत किया जाएगा राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात यहाँ पर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था यूसीसी को लेकर उस यूसीसी पर भी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट यहां पर मिल सकती है और उम्मीद की जा रही है कि जिस जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में सरकार को यूसीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी है उसकी तरफ से अपना ड्राफ्ट सरकार सौंप दिया जाएगा, सरकार उस ड्राफ्ट का परीक्षण कराने के बाद इसे सदन के पटल में रखने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि राज्यवासियों को दो बड़ी सौगातें इस दौरान यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को उम्मीद है कि जो केंद्र का जो लेखानुदान बजट यहाँ पर आएगा उसमें किस प्रकार से राज्य के लिए जो परियोजना या योजनाओं को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा उसका भी यहाँ पर विश्लेषण करेगा और उसके बाद राज्य सरकार अपना बजट यहाँ पर लाने का काम करेगी, जिसमें आम जनता से अभी से ही उस बजट को बेहतर बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जनता के अनुरूप यानी जनता की जो उम्मीद है उन उम्मीदों के अनुरूप विकास के काम हो और उस विकास के कामों का लाभ जनता को मिल सके। जी पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में शिक्षा विभाग ही था, क्योंकि जो बजट दिया गया था वो पूरा खर्च नहीं हुआ है। इस बार क्या रूपरेखा तैयार की जा सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बजट को बेहतर बनाने के लिए अभी से ही जो विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं वो समाज सेवियों के साथ राज्य के जो रजिस्ट्रिंग परिवहनविद हैं या फिर दूसरे जो विभिन्न सेक्टरों में जो काम करते हैं उनसे बजट को लेकर सुझाव यहाँ पर मांग रहे हैं, जो आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बेहतर बजट के लिए सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, जनता से भी लगातार सरकार की तरफ से संवाद यहाँ पर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो सरकार का बजट आए उस बजट में आम जनता के समावेशी बजट हो, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये बस चुनाव का वर्ष है तो ऐसे में राज्य सरकार जो बजट यहाँ पर लाएगी वो लोक लुभावना बजट यहाँ पर हो सकती है, तो जनता की उम्मीद है इस बजट से काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर चुनावी वर्ष है तो फिर सरकार की तरफ से ऐसी योजना यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा जो चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हो सकती है और उसका लाभ जनता को यहाँ पर मिल सकता है। तो उम्मीद यहाँ पर सभी लोगों की राज्य सरकार के इस बजट से बड़ी है कि राज्य सरकार इस चुनावी वर्ष में जो बजट लाएगी वो उनके विकास का होगा और उनकी जो मांग है उन मांगों को पूरा करने वाला होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए जुटी हुई है। इस दौरान संगठन तौर पर भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भी उत्तरायणी मेले और उत्तरायण कार्यक्रम में अयोध्या थीम रहेगी और इसको लेकर ही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। घरों में दीपोत्सव के अलावा कलश यात्रा, रामकथा, घाटों की सफाई, आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम करने की लोगों से अपील की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हर कार्यकर्ताओं को 5 दीपक जलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेकों अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम। हर मंदिर स्वच्छ हो, हर रास्ता स्वच्छ हो, इसके कार्यक्रम चलाने वाले हैं और उस दिन दीपक तो जलेंगे, घर जगमगाएगा। हमने आह्वान किया 5 दिए कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 दिले दिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूजा स्थल पर जलाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम की रचना इस रूप में हुई है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा अखंड कार्यक्रम हो रहा है। हमने आह्वान किया अपने सभी कार्यकर्ताओं का उस अखंड वितरण आंदोलन में, उस कार्यक्रम में हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लें। और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। इसके तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी भी योजना के तहत फंडिंग नहीं हो पाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है। वहीं बैठक के दौरान अधिकतर प्रस्तावों को विभागीय बजट से ही स्वीकृति मिली है। मुख्य सचिव ने कहा है कि पूर्व में स्वीकृति प्रस्तावों की प्रगति को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर लगातार अपलोड किया जाए। पीएम गतिशक्ति में लगातार इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन विभागों के प्रस्ताव डीपीआर, टीएससी अथवा डीएफसी स्तर पर अटके हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर योजनाओं में तेजी लाई जाए। बताते चले कि इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी पुराने एवं नए बनाए जाने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। और दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट्स के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेते हुए सभी जनपदों में सार्वजनिक टॉयलेट्स में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के बहादुर बच्चों के नाम ना भेजने पर रोष जताया है। राज्य बाल कल्याण परिषद को उनका नाम ना भेजने को संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को 26 जनवरी पर राज्य सरकार सम्मानित करेगी, साथ ही इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को इस मामले में जाँच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार अब जल्द ही एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है जिसमें आंदोलनकारी को 10% क्षतिज आरक्षण सहित विभिन्न विधेयकों पारित किए जाएंगे। नहीं, ये सब प्रकरण सभी ध्यान में आए हैं और जहां पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई हैं उन सबका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया जाएगा और हमारा है कि 9 पेंडेंसी रखी जाए, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। अभी उसकी डेट नहीं आई है लेकिन सेशन करेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है। आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है, जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। और ड्रग्स विभाग ने छापेमारी कर एक दवाई फैक्ट्री पर कार्रवाई की। फैक्ट्री में मानकों के विपरीत दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल फैक्ट्री में दवाइयों का निर्माण रुकवा कर लाइसेंस निरस्त करने के ड्रग्स विभाग के अधिकारी ने कहा कि आपको बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा में रिलीफ बायोटेक दवाई फैक्ट्री में नियमों के विपरीत दवाइयां बनाई जा रही है। इंस्पेक्टर ने टीम के साथ फैक्ट्री में छापेमारी कर कार्रवाई की। फैक्ट्री में खामियां पाई गई है जिसके चलते दवाई का निर्माण रोक दिया गया है।
और उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल के शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इसका शासन आदेश भी जारी हो जाएगा जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए जो पीजी बॉन्डधारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। और वंदे भारत रेल सेवा विस्तारीकरण का अनुरोध बता दें सीएम धामी की केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि देहरादून से अयोध्या तक रेल सेवा की अपील की गई है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आएंगे अधिक श्रद्धालु। तो सीएम धामी की केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध है। बता दें कि कहा गया है कि उत्तराखंड से अयोध्या तक रेल सेवा की अपील जो है वो की गई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर फिर अधिक श्रद्धालु आएंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।